तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। और जो देश के अंदर लंबी नामक बीमारी ने पशुओं को अपने चपेट में ले रखा है, उसी को लेकर रियल न्यूज हरियाणा लगातार पशुपालकों को, ग्रामीणों को जागृत करने की एक मुहिम चलाई हुई है। उसी के तहत आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर जितेंद्र गिल। सर, रियल न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम बात करें लंबी नामक बीमारी जो पूरे देश के अंदर फैल चुकी है, आयुर्वेद के अंदर उसको किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार आयुर्वेद इसको देखता है? देखिए, जो ये बीमारी है लिंपी नामक बीमारी, इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज है, मक्खी मच्छरों का ज्यादा रोल रहता है। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि किस प्रकार से जो हमारे मक्खी मच्छर है उनको कंट्रोल किया जाए। नीम के पत्तों का धुआं कर सकते हैं, धूप जला सकते हैं और पशुओं को थोड़ा सा बचा के रखें, ताकि ये, क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज है, उस वजह से उन वेक्टर्स का यदि हम निवारण कर देंगे तो इस बीमारी को कंट्रोल करने में बड़ी मदद रहेगी। दूसरा, जिन पशुओं में इसके लक्षण है, सिम्टम्स है, उन पशुओं को दूसरे पशुओं से थोड़ा दूर रखेंगे तो बड़ा लाभ रहता है इसमें। उसके साथ साथ आयुर्वेद में बहुत से कारगर उपाय हैं, जैसे कि मैं अक्सर बहुत बार बताता हूँ, गिलोय और आंवले के पत्ते दोनों को मिला के आप पशुओं को खाने को दे सकते हैं, बहुत लाभकारी रहता है। या अकेली गिलोय का पानी भी पिला सकते हैं आप उसमें, तो ये बड़ी लाभकारी रहेगी। उसके साथ साथ हल्दी एक बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है, तो हल्दी को भी आप दे सकते हैं। इसको दो तरीके हैं हल्दी देने के, या तो हल्दी और तेल मिला के आप, जैसे 4-5 चम्मच हल्दी या करीब करीब 50-60 ml के आसपास तेल, सरसों का तेल या गाय का घी या कोई भी घी मिला के आप इसको नाल के रूप में पशुओं को दे सकते हैं। या आटे में हम जैसे अक्सर देते हैं पशुओं को, आटे में हल्दी मिला के और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च और ये मिला के आप देंगे तो वो भी पशुओं के लिए लाभकारी रहती है, क्योंकि बेसिकली हल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वायरस को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये कुछ कारगर से उपाय है। उसके साथ साथ किस प्रकार से मक्खी मच्छरों से बताना है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, हमारे पशुपालक भाई अच्छे तरीके से जान सकते हैं और वो जानते भी हैं कि नीम का धुआं कर सकते हैं। या जैसे पशु को इसमें जख्म हो जाते हैं तो फिटकरी बहुत कारगर आयुर्वेदिक औषधि है। फिटकरी के पानी में पशुओं को नहला सकते हैं, उनको वॉश आउट कर सकते हैं, उनको ये गांठें वगैरह बनी होती है, जख्म वगैरह होते हैं उसमें, बड़े कारगर रहती है फिटकरी। उसके साथ साथ नीम के पत्तों का पानी भी यूज कर सकते हैं, वो भी बड़ा लाभकारी रहती है। लेकिन जो सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस दी जाती है, हमारे जो पशुपालक भाई है उनको जो पशुपालक चिकित्सक एंटीबायोटिक या जो भी मेडिसिन वो अवेलेबल कराते हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए सरकार का मुख्य फोकस है, तो उसमें जरूर सरकार का कोऑपरेट करें और समय समय पर जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पूर्ण पालन हम करें तो इस बीमारी को बहुत जल्दी हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात करी पशुपालकों की या जो ग्रामीण है उनकी, लेकिन जो आवारा पशु हैं, गायें हैं जो सुनी घूम रही हैं, उनके लिए किस प्रकार प्रबंध करें इस तरह का, और किस प्रकार, आपने बताया कि गिलोय पिलाएं या नीम के पानी से, किस प्रकार उन पर छिड़काव करें? देखिए, ये हमारे सारे समाज का दायित्व है, क्योंकि ऐसी बीमारियां जब अब आवारा पशुओं में आई है तो आवारा पशुओं से ये हमारे जो पशुपालक भाई है उनके पशुओं में भी आएगी, तो हमें आवारा पशुओं को भी हमें ही संभाल करनी पड़ेगी। ये किसी एक व्यक्ति विशेष या सरकार का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम इस बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारे नौजवान साथी हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, उनका दायित्व बनता है कि ऐसे समय में वो आवारा पशुओं की विशेष रूप से केयर करें। और फिटकरी मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा महंगी कोई चीज भी नहीं है, और गिलोय और आंवले के पत्ते तो इजीली मिल जाते हैं कहीं भी। गिलोय तो आप देखेंगे यत्र सर्वत्र, अपने गांव में भी बहुत हमने गिलोय लगाई हुई है, तो गिलोय का सेवन करवाइए ऐसे आवारा पशुओं को, और उनको थोड़ा संभाल हमें देनी ही पड़ेगी। और यदि हम सोचते हैं कि सारा काम दूसरा व्यक्ति करे या सरकारी संस्थाएं करे या सरकार ही करे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी जब पैंडेमिक या ऐसी महामारी जब फैलती है तो हमें पता है कि संसाधन छोटे पड़ जाते, तो हमें कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा और समाज के हर व्यक्ति को अपने दायित्व को समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा, और हमें बढ़ चढ़ कर पशुओं की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी संभाल करनी पड़ेगी। सर, आप आयुर्वेद के माहिर हैं, लगातार आयुर्वेद पर कार्य कर रहे हैं, क्या गांव में भी आप इस प्रकार का कोई कैंप लगा रहे हैं या लोगों को जागृत करने के लिए कोई तरीका अपना रहे हैं? देखिए, मैं इस बीमारी से पिछले 10-15 दिनों से लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, विशेष रूप से जो कैथल जिला जहां मैं कार्यरत हूँ वहां से बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बीमारी है। तो हमने इसको उसी तरीके से लोगों को जो भी गाइडेंस हम दे सकते थे वो हमने दी और काफी लाभ मिला है। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है इसमें, वैक्सीनेशन पे सरकार का हमारा फोकस है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कल बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम पशुओं को किस प्रकार से वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो मेरी पशुपालक भाइयों से प्रार्थना रहेगी कि वो इस चीज में सरकार का पूरा सहयोग दें, जितना जल्दी हो सके अपने पशुओं को वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। उसके साथ साथ जो उपाय मैं बताता हूँ उसमें बहुत कारगर है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पशुपालन विभाग है वो जो गाइडेंस दे उनका जरूर पालन करें। उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बड़ी कारगर है इसमें, जैसे एरसेनिक है, बेलडोना है, ओसिमम है, इनका भी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप राय लेके उनको भी आप पशुओं को दे सकते हैं। जैसे आपने हल्दी की बात की है, गिलोय की बात की है, ये पशुपालक इसका लेप करें या पशुओं को खिलाएं, या जो हम देसी में कहते हैं नार देनी है, किस किस तरीके से? देखिए, हल्दी का या आंवले का या गिलोय का हमें सेवन कराना है, और फिटकरी का या नीम के पत्तों के पानी से हमने उसको वॉश आउट करना है, और मक्खी मच्छरों से हमें इस अपने पशुओं को बचाना है, क्योंकि ये वेक्टर बोरन डिजीज है। एक दूसरे मक्खी मच्छर एक पशु को, संक्रमित पशु को काटेगा, वो दूसरे पशु को काट जाएगा, तो उससे होने के चांसेस रहती है। ये हम लोगों में भ्रम है कि ये पशुओं से मनुष्य में आ सकती है, यानी जी इसके चांसेस नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये पशुओं से मनुष्य में नहीं आएगी। उसके साथ साथ थोड़ा सा हमें विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है कि अभी तक हमें ज्यादा आवारा पशुओं में ही ज्यादा देखने को मिल रही है, या गायें ही इसका ज्यादा शिकार है, तो इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। यदि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो हम जल्दी इसको कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात करें क्या ये फैलने वाली बीमारी है जैसे पशु से पशु में फैलती है, इस प्रकार का कोई किसानों के अंदर, पशुपालकों के अंदर भय है कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है? देखिए, पशु से दूसरे पशु में तो फैल सकती है निश्चित रूप से, यदि मक्खी मच्छर काटेंगे या उनका संपर्क आएगा तो वो फैल सकती है, लेकिन पशुओं से मनुष्य में फैलने के चांसेस नहीं। अगर डॉक्टर साहब हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें किसी प्रकार की जानकारी के लिए, तो हमारे दर्शकों को आपका एड्रेस पता? देखिए, मैं कार्यरत हूँ सिविल हॉस्पिटल कैथल में एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन, और मेरा नंबर बड़ा इजीली अवेलेबल रहता है, और मैं बेसिकली गांव मेरा समैन पड़ता है, फतेहबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं इसी बीमारी को लेकर विशेष रूप से गाँव में आया था ताकि लोगों को जागरूक कर पाऊँ, और मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मेरा फोन नंबर है 9416339593, जो पॉसिबल मदद होगी वो हम कर पाएंगे लोगों की, और ये ऐसे समय में हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मिलकर चलना चाहिए ताकि इस प्रकार की बीमारियों को हम रोक। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल, आयुर्वेद पर काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। तो ये जानकारी हम पशुपालकों को, ताकि पशुपालक हैं जो वो अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकें। लगातार रियल न्यूज हरियाणा इस पर कार्य कर रहा है और आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। अब किसी प्रकार की आपको जानकारी की जरूरत है तो डॉक्टर साहब ने अभी नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस तरह की जानकारी लेकर और हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक बने रहें रियल न्यूज हरियाणा के साथ।